सबसे अच्छी जिंदगी इतनी एज के बच्चों की होती है। सुनी हो गया? अरे भाई ये भेड़ और बकरियों का कौन सा टाइम है रात के? खाना आ चुका है भाई और अब थक के बिल्कुल चूर हो चुके हैं, तो आज की वीडियो को तो बस सेंड करते हैं। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और जैसे कि हम सुंदरनगर में चल ही रहे थे और चलते चलते वहाँ पे आगे आज सीएम आए हुए थे हिमाचल के राउंड पे, तो रोड क्लोज की हुई थी एक मेन वाली और हमें दूसरी रोड से साइड से निकाला गया और वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना कि हालत ख़राब ही हो गई। और टाइमिंग है अभी टाइम जो है वो 6 o'clock हो गया है और हम जब स्टार्टिंग में चले थे मनाली के लिए हमें 6:30 पर हमारा पहुँचने का टाइमिंग दिखा रहा था गूगल मैप, और अब जो टाइमिंग हो गया है बढ़ते 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 अभी हमारा टाइमिंग है तो अब टाइमिंग बता रहा है 9:43 PM रात के, यानी कि समझ लो अभी 10 बज जाएंगे। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा क्या, तो यहाँ देखते रहो तो मज़े ही मज़े हैं, बस रास्ता इसी से ही कट रहे हैं, नहीं तो जाम तो भयंकर है बिल्कुल, 5-5 मिनट में रुक के चल रही है। और यहाँ बस जन्नत है, मेरा तो मन कर रहा है मैं नीचे उतर जाऊँ किसी तरह, पर उतरने का कहीं रास्ता भी तो नहीं दे रखा। जिस जगह पे पहुँचना है वो जगह दिखा रही है, रात को 11 बजे तक पहुँचेंगे हम लोग, यानी कि अटल टनल क्रॉस करेंगे रात को 11 बजे। चुका है भाई और अब थक के बिल्कुल चूर हो चुके हैं, तो आज की वीडियो को तो बस सेंड करते हैं। खाना खा के जल्दी से अब सोने का टाइम आ चुका है, अभी तो पहुंचे भी नहीं है, तो अब 2 घंटे दूर है, तो अब यही है कि अब रुक जाते हैं जहाँ पे भी पहुँचे, कल फिर दोबारा से शुरुआत करते हैं, देखते हैं अब सुबह ही बताएंगे फिर अब कहाँ पहुँचे। फिलहाल आज के लिए तो थैंक यू सो मच यार, बहुत बुरी हालत हो गई है, बाय बाय, सी यू टुमारो। अरे भाई ये भेड़ और बकरियों का कौन सा टाइम है रात के? टाइम हो रहा है 12:06 रात के, 12:06 हो रही है और भेड़ बकरियां अपने फुल डोज मोड में लाइन बना के घूमती हैं, ये इनके चरवाहे। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। फाइनली हमारी रात की जो स्टे रहा था वो हमने बनाया था अपना मोटर होम कुछ इस तरीके से रात को सोने का, और अरुण भाई के साथ में जो मैंने आपको बताया था हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे थे, अरुण भाई का बेड कुछ इस तरीके का है, बहुत ही बढ़िया, मतलब दो बंदे आराम से सो सकते हैं। हमारे साथ में थोड़ा सा इशू है कि हमारी गाड़ी में जो है वो सिलेंडर है, CNG गाड़ी है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया अपनी दोनों सीट्स को उस तरफ वाली सीट को फोल्ड किया अपोजिट साइड और इस वाली को निकाल के बाहर रख दिया और अपना बेड बना लिया। तो इस तरीके से जो भी है हमने अपना रात को सोने का जुगाड़ किया था और सुबह के बज चुके हैं तकरीबन अभी 9:30, क्योंकि 9:30 बजे तक हम सो ही रहे थे। सोनी फिलहाल अपने काम में लग चुकी है सुबह सुबह से, सब लोगों के लिए चाय बना रही है। और ये वेदर देखो यहाँ का, और मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है इस तरफ भी उस तरफ भी, सीरियसली यार इतना ज़्यादा बर्फ, इतना ज़्यादा ठंडा था, मुझे उम्मीद से ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि मैं सही बताऊँ इस तरफ भी ऐसी बर्फ थी,
क्या हुआ उधर से, हाँ घुमा दो तो देख लो परी बंदी हो गई हो, देखो रखते हो देखो बल्कि फिलहाल बंद कर दिए फोन ने, नहीं चल रही है चल रही है। तो ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लेह लद्दाख का प्लान करो तो अटल टनल क्रॉस करते ही भाई साहब टेम्परेचर थी था और इतनी ज़्यादा ठंडा था, इतना ज़्यादा ठंडा था कि भाई हिम्मत नहीं पड़ी और रात को ना हड्डी जमा। मैंने क्या किया गलती से, मैं अपना जो कंबल था वो जानबूझ के रखा है, मैंने कहा कि यहाँ 50-45 डिग्री टेम्परेचर है तो वहाँ क्या होगा, वहाँ गूगल पे देखा, गूगल ने धोखा दे दिया, वहाँ पे मिला 8 डिग्री टेम्परेचर और यहाँ पे आए तो 3 डिग्री, और अभी तो आगे और भी जाता होगा तो देखते हैं कहीं भी रास्ते में कंबल वगैरह मिलेंगे तो वहाँ से ले लेंगे। फिलहाल ये सीट जो है ये हमने उतारी हुई है एक, और इसको लगा के बस अपना शुरू करेंगे। वैसे ये अटल टनल क्रॉस करते ही है बहुत अच्छा, और यहाँ पे सब कैंपिंग वगैरह के जो टेंट्स वगैरह हैं वो भी लगे हुए हैं तो माहौल अच्छा है। चाहेंगे फोटो सेशन चल दे, सेशन नहीं पूरी वीडियो बनेगी, तुमने ब्लॉग वगैरह बनाएगा। और ये चिनाव नदी के पास हम रुके हुए हैं और यहाँ हमारी कैंपिंग चल रही है, और ये अरुण भैया, ये इनकी गाड़ी, ये हमारी, हम यहाँ रुके हुए हैं और अब हम यहाँ पे रुके हुए हैं अटल टनल के जस्ट बाद। तो अभी चाय बनने लग रही है, चाय पीने की तैयारी चल रही है, वहाँ पे चेयर डल गई और वहीं पे चाय बन रही है तो वहीं बैठेंगे। नदी का किनारा, गरम गरम चाय, वेदर बिल्कुल ठंडा, वाह 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 क्या बात है। और हम चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए हैं इस टाइम ये, और ऊपर जो है कुछ पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, और ये पहाड़ जो है रात को भी बिल्कुल वाइट वाइट दिखाई दे रहे थे। और चलो अब चाय पीते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं सुबह सुबह की। हमने देखते सारी चीज़ें पैक करके इधर साइड में रख दिया, कुछ उधर से तो खाली हो गया, अभी उसकी हालत तो आप देखोगे ना बिल्कुल हैरानी रह जाओगे, सब सामान इधर उधर कर दिया, अब ये सारी चीज़ें अब सेट करनी है दोबारा से। उन्होंने ना कर दिया सारा मैगी का इंतजाम, पूरा सेट बन गई, खाने वाली भी रेडी, बनाने वाले भी रेडी, वाले भी रेडी और हम भी रेडी। आपने एक मिनट निकाल लिया अभी, सही है भाई, फैमिलीज बहुत है, वैसे ऐसी बात नहीं है, बहुत फैमिली रुकी थी, जब सबका भर जाएगा पेट चिंता नहीं है, कमी किसी को नहीं छोड़ी जाएगी। हाँ सोनी हो गया done।